देखिए, ये पिछड़ो अति पिछड़ो अनुसूचित जाति और जनजाति के हक की बात जो है ये संविधान में है। पिछड़े और अति पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति को जो वोट बैंक समझा जा रहा है, ये वोट बैंक सरकार का खिसक जाएगा। 17% आरक्षण बिहार से ज्यादा झारखंड में हो गया, उस आधार पर बिहार में 17% आरक्षण कम से कम सरकार को बढ़ाना चाहिए। जो सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, अगर वो ये नहीं करती है तो ये झूठा दिखावा माना जाएगा। देखिए, ये पिछड़ो अति पिछड़ो अनुसूचित जाति और जनजाति के हक की बात जो है ये संविधान में है, ये हमने नहीं उठाई है, आम जनता पार्टी राष्ट्र ने नहीं उठाई है, ये संविधान में उसको हक प्राप्त है। और इस हक में अगर आज हम देखते हैं तो बिहार में जो आरक्षण है, आज जो बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड है, जबकि झारखंड में जो जनसंख्या यदि हम देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा का ये जो जनसंख्या है वो बिहार की तुलना कम है, लेकिन आरक्षण आज बिहार से ज़्यादा हो गया। 17% आरक्षण बिहार से ज़्यादा झारखंड में हो गया। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि जबकि सरकार अति पिछड़ा से कई पिछड़े समाज के लोगों को अति पिछड़ा में डाली, उसके बावजूद आरक्षण का नहीं बढ़ाई, तो अब तो कम से कम झारखंड में 17% आरक्षण जो बढ़ा है, उस आधार पर बिहार में 17% आरक्षण कम से कम सरकार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पिछड़े जाति हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या झारखंड के बनिस्पत ज़्यादा है। इसलिए सरकार को यह जरूर करना चाहिए काम, क्योंकि समाज सरकार जो न्याय के साथ विकास की बात करती है, जो सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, अगर वो ये नहीं करती है तो ये झूठा दिखावा माना जाएगा। इसलिए हम लोगों ने 24 दिसंबर को हम लोग ने एक मिलर स्कूल के पास हम लोग ने एक पूरे बिहार से अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन का बुलावा किया है, जिस सम्मेलन होगा जिसमें कि ये निर्णय होगा कि इस बिंदु पर आरक्षण को जो झारखंड में बढ़ाया गया और बिहार में अभी तक नहीं बढ़ाया गया, उसे हम कैसे लेंगे सरकार से लड़के और रोड पर उतरेंगे और कैसे सरकार से लड़के लेंगे, उस पर निर्णय होगा उस दिन। इसलिए मेरा ये भी कहना है साथ में साथ कि आम जनता पार्टी राष्ट्र सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने की बात हुई थी, तो उसके लिए लोकसभा और संसद भवन का हमने घेराव किया था दिल्ली जा करके। इसलिए सामाजिक न्याय, आम जनता पार्टी राष्ट्र सामाजिक न्याय की बात करती है। इसलिए मेरा कहना है कि रोहिणी कमीशन की बात यदि हम करते हैं तो रोहिणी कमीशन आज 2 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कैबिनेट में कि 23 अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में इसे पास किया, और 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की, लेकिन आज 13 बार विस्तार दिया गया है, लेकिन रोहिणी कमीशन आज जस के तस पड़ा हुआ है और सरकार इसमें अपना ढीला रवैया जो केंद्र सरकार अपनाई हुई है इसे भी समझना होगा, नहीं तो ये जो पिछड़े और अति पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति को जो वोट बैंक समझा जा रहा है, ये वोट बैंक सरकार का खिसक जाएगा।